सारे हलवे मज़ेदार होते हैं अगर आपको स्वीट पसंद है तो। हम बना रहे हैं तुर्की, जिसके लिए आपको चाहिए 1 कप सफ़ेद तिल। इसको आपने हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेना है, मीडियम सी आंच पे आपने रोस्ट करना है, तेज़ आंच पे इसको रोस्ट नहीं करेंगे वरना ये जल भी जाते हैं। इनको हमने ग्राइंड कर लेना है, हाफ तिल आपने निकाल देने ग्राइंड किए हुए, और बाकी के जो हाफ होंगे उसके अंदर हम 1/2 कप घी, आप बटर ले लें या असली घी ले लें, उसमें से आपने उसको मेल्ट करके तो उसमें से 2 से 3 चम्मच इसमें डाल के तो आपने इसको पेस्ट बना लेना है। वो सारे आपने इसमें ग्राइंड किए हुए तिल में शामिल करके 1 कप चीनी, आपने पीसी हुई चीनी उसको आपने पीस के अच्छे से तो इसमें शामिल कर देना है। बाकी का जो मेल्टेड घी हमने बचाया था वो अब हम इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखा कितना आसान था बनाना। अब आपने कोई सा भी ट्रे ले लेना है जिसके अंदर आपने इसको बनाना है, उसके अंदर आपने पिस्ता ले लेना है, उसको चॉप कर लेना है और उसको अच्छे से इसमें फैला के तो जो हमने बनाया है कवाम उसको आपने इसके अंदर डाल के तो इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है और इसको आपने फ्रीज़र में या थोड़ी देर के लिए आपने फ्रिज में रख देना है 1-2 घंटे के लिए। ये अच्छे से सेट हो जाएगा। जब ये अच्छे से सेट हो जाए तो आप इसकी कटिंग करें, एहतियात से कटिंग करेंगे नहीं तो ये बिखर जाएगा, टूट जाएगा और उसकी लुक अच्छी नहीं आएगी, इसलिए आपने इसको बहुत आराम से इसकी कटिंग करके इसको प्लेट में निकाल लेना है। जायके में बहुत ही मज़ेदार आपको लगेगा, थोड़ा सा अलग हलवा है लेकिन आप इसको इंजॉय करेंगे और इसको फिर से भी बनाने को आपका मन करेगा। बहुत ही अच्छा बनता है और सॉफ्ट भी होता है, इंजॉय करें इसको। देखें कितना मज़ेदार है और इतना सॉफ्ट है, आप बर्फ़ी भूल जाएंगे अगर आपको ये बनाना आ जाता है तो, और बनाने में भी आसान है। अब हम बनाएंगे पेठे का हलवा। हमने ये एक पेठा ले लिया मीडियम साइज़ का, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये थोड़ा सा छोटा है, ये भी बहुत अच्छा होता है। इसको आपने इतने पीसेस में ले लेना है, ये आपकी पेट की आंतों के लिए बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है और आपका इसको बच्चे पसंद करेंगे। वैसे अगर ये खाते नहीं हैं लेकिन आपके ये बच्चों की सेहत के लिए, खुद आपके लिए ये बहुत अच्छा है तो आप इसको मीठे में बनाएं, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इस तरह से आपने इसके सारे पीसेस जो है वो काट लेने हैं। इसके जो बीज हैं वो आप रिमूव कर देंगे, वो हमें नहीं चाहिए। बीज अच्छे से रिमूव करके आपने इसके ऊपर इसका जो छिलका है वो भी आपने उतार देना है। इसका हलवा थोड़ा सा सॉफ्ट होता है लेकिन फिर भी टेस्ट में ये बहुत ही जायकादार होता है। आप इनको अगर बनाते हैं तो ये आप बहुत जल्द बहुत अच्छे हलवे बनाने के माहिर हो जाएंगे। एक दफ़ा देखने की देर होती है फिर आप यकीनन बहुत अच्छे अच्छे हलवे बनाया करेंगे। सूजी का हलवा तो बना ही लेते हैं लेकिन आप बाकी भी कोशिश किया करें, स्वीट डिश में आप बना सकते हैं। छोटे छोटे पीसेस में आप इनको काटें और इनको अच्छे से धो लें। उसके बाद आपने इनको एक कढ़ाई में डाल लें और इनके अंदर 1 कप आपने पानी डाल देना है। थोड़ी देर बाद आपने 5 से 8 मिनट में इनको आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छा गल गया है। देखें कितना अच्छा ये सॉफ्ट हो गया है। इसका एक अलग ही जायका होता है, अपने जायके में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। उनको आपने पानी से निकाल लेना है और उसके बाद आपने 1 कप घी ले लेना है।
घी के साथ कोई समझौता नहीं आपने करना, घी आपने इसी तरह से डालेंगे। हलवा हो और घी हो तो सोचें हलवा कितना अच्छा बनता है। दो इलायची डालें और घी को गर्म कर लें, और जो आपने बॉयल किया है पेठा उसको आपने इसके अंदर डाल के साथ साथ थोड़ा थोड़ा मैश करते जाना है। इस तरह से आपने इसको साथ साथ मैश करते जाना है और साथ साथ आपने इसको भूनते जाना है घी के अंदर। हल्का सा इसमें हम फूड कलर डालेंगे, ग्रीन फूड कलर मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लेमन यूज़ करना चाहें तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और एक कप इसमें मैंने चीनी शामिल की है। हमारे पास ये पेठा तकरीबन 2 कप हो जाता है उसका पेस्ट, तो इसमें 1 कप जो है वो चीनी ऐड कर दी। अब इसको पकने देंगे और अच्छे से भून के आप निकाल लें। बहुत अच्छा ही, बहुत ही जायकेदार है, बहुत मज़ेदार है। ऊपर से मैंने इसको तिल के साथ गार्निश किया, तिल के साथ इसका और भी जायका बड़ा अच्छा आता है, बहुत मज़ेदार बनेगा। अब हम बना रहे हैं बहुत ही हेल्दी और अच्छा हलवा, जो कह लें कि आपकी सेहत को बहुत ज़बरदस्त कर देगा। ये तो आप कुछ और नहीं भी डालते तो सिर्फ इसके साथ ही आप बहुत अपनी सेहत को बेहतर फील करेंगे। 2 कप घी ले लेना है, उसके अंदर आपने 1 कप आटा शामिल करेंगे। घर का आटा है और कोई भी आपने शामिल नहीं चीज़ करनी है, सिर्फ घर के आटे के साथ हम इसको बना रहे हैं। इसको अपने घी में अच्छे से भून लेना है, जब खुशबू आने लगे तो आप इसको निकाल लें। उसके बाद हम इसका शीरा तैयार करेंगे। 1/2 कप पानी में हमने 1 कप चीनी शामिल कर दी है, और इसको आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस आपने इसका चीनी के मिक्स होने के बाद आपने 1 मिनट इसको बनाना है, पकाना है, और उसके बाद इसमें जो आटा हमने भूना है वो इसमें आप शामिल कर दें। 2 इलायची साथ में ज़रूर शामिल करें। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप सौंफ पीस के डाल दें, उनके पेट में दर्द नहीं होगा। अगर आपकी कमर में दर्द है तो आप इसमें कमर कस और सौंठ ज़रूर डालें, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसी तरह से अगर आपको जिस हिसाब से आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस हलवे में बहुत से दूसरे नर्स जो आपको जिस फ़ायदे के लिए चाहिए वो इसमें आप इस डाल के तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही जायकेदार बनता है, आप खाने के बाद इसका इस्तेमाल करें, आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा, इसकी लुक भी बहुत अच्छी होती है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी चॉकलेट। चॉकलेट इसके ऊपर बहुत अच्छी लगती है, इसमें जायका भी देती है, आपके बच्चे वैसे ही इसको बहुत पसंद करेंगे। तो इसके चॉकलेट डालेंगे तो आपको इसका जायका दुबाला लगेगा। अब जो हलवा हम बना रहे हैं ये है मूंग दाल का हलवा। आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं। मैंने दाल को भिगो दिया था तकरीबन 2 घंटे के लिए, मैंने इसको दाल को भिगोया और उसके अंदर कुछ बादाम मैंने डाल दिए। 8 से 10 बादाम आपने ले लें, वो इसके साथ ही भिगो दें। छिलका आपने उतारना है तो उतार लें, वरना मैं तो वैसे ही इसको इसमें शामिल करके इसको पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो आप इसको अच्छे से इसमें डाल के तो इसका पेस्ट तैयार कर लें। अच्छा, जब पेस्ट तैयार हो जाए, बहुत थोड़ा सा दरदरा सा रह जाए और बहुत ज़्यादा इसको बारीक पेस्ट नहीं हमने बनाया। अब हमने 2 कप इसमें घी डालना है। ये घी हम सारा इसमें नहीं जाएगा, इतना ज़्यादा घी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये जब भून जाएगा तो इसमें से हम निकाल देंगे। इसको आपने इसके अंदर भूनना है। ये नीचे चिपकता है थोड़ा सा शुरू में, लेकिन फिर ये ठीक हो जाएगा जैसे जैसे भूनेगा। फुल फैट दूध इसमें आप 2 कप भर के वो डालेंगे। अगर दूध फुल फैट नहीं है तो आप इसमें साथ में क्रीम वगैरह जो है वो डाल सकते हैं, या आप बाज़ार से खोया जो है बाज़ार का वो आप इसमें शामिल कर दें, नहीं तो खुश मिल्क दूध जो है वो भी इसमें आप डाल सकते हैं। इसको आपने हल्की आंच पे दूध के साथ पकने देना है, और जब वो खुश्क हो जाए तो इसको आपने चीनी डाल के अच्छे से भून लेना है। 1 कप इसमें आप चीनी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से आप भून लेंगे। साथ में आपने 2 अंडे इसमें, जब अच्छे से भून जाए और वो घी छोड़ दे तो फिर आपने इसमें 2 अंडे डाल के तो इसको अच्छी तरह से भून लेना है।
अंडे डाल के आपने इसको चम्मच को रोकना नहीं है, इसको भूनना है, अच्छे से मिक्स करते जाना है। जब खूब अच्छे से ये मिक्स हो जाए तो फिर आपने इसको प्लेट में निकाल लेना है। इसको आप अलहदा करके रखेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा करके कढ़ाई को रखें तो उससे जो घी है उसका वो अलहदा हो जाएगा और आपका जो हलवा है बेहतरीन सा वो हलवा तैयार हो जाएगा, जायकेदार बेहतरीन। ऐसे हलवे आप बनाते रहें, दस्तरखान को सजाते रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें।